स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। यानी किसी भी प्लेन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना। लेट अस सपोज यू आर गिवन एनी प्लेन पाई वन की डिस्टेंस, इस प्लेन की डिस्टेंस हमें पी पॉइंट से फाइंड आउट करनी है। लेट अस सपोज पी का पॉइंट हमने दे रखा है पोजिशन वेक्टर ए। क्लियर? यानी ये पॉइंट हम कोई भी दे रखा है, कितना मान लीजिए x1, y1 और z1 दे रखा है, then you have to find out the distance from this point, this plane to this point। यानी इस पॉइंट से इस प्लेन की कह लो या इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आपको डिस्टेंस का तो पता है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन मान लेते हैं। क्लियर? यानी अगर ये कोई प्लेन दे रखा है तो इस प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन मान लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये अगर प्लेन है तो इसके पैरेलल ये प्लेन हमने यहां मान लिया। तो यानी अगर मैं इस प्लेन से इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं तो हमारी ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? तो हमने ये मान लिया कि जिस पॉइंट से हमें प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पी से पास होने वाला एक प्लेन हमने इस प्लेन के पैरेलल पाई टू मान लिया। इस पाई वन की डिस्टेंस सपोज हमें दे रखी है जो आपको नॉर्मल फॉर्म बता रखी थी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अब ये डी क्या होगा? ये डी होगा इस प्लेन की पाई वन की ओरिजिन से डिस्टेंस। क्लियर? अगर हम इस प्लेन की डिस्टेंस, जो हम इस प्लेन के पैरेलल पी से जाने वाला प्लेन मान रहे हैं, अगर इस प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट कर दें, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर दें ओ एन डैश, और ओ एन आपको दे रखा है डी, तो अगर ओ एन डैश हमें मिल जाए तो हम एन एन डैश निकाल सकते हैं। यानी ये दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस होगी, और जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस हमारी ये होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ में आ गया? ओके, अब हम लेते हैं इस पाई वन की डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन तो क्या है पाई वन प्लेन की इक्वेशन, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, जहां डी क्या है हमारा, डी है हमारा कितना, ओ एन। क्लियर? ओके, अब ये जो प्लेन हमने इसके पैरेलल माना है तो इस प्लेन को पॉइंट तो हमें मिल गया कि पी पॉइंट से ये प्लेन पास हो रहा है। क्लियर? अब अगर हमें वो मिल जाए परपेंडिकुलर वेक्टर कि ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, तो बस हमारा काम आसान हो जाएगा, हम इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जरा, क्योंकि ये जो प्लेन है ये इस प्लेन के पैरेलल है, तो इस प्लेन पर जो वेक्टर होगा एन कैप वो इसका भी तो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो हमें भाई जो हम इस पर प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो भी इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो एन कैप होता है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम ओरिजिन, और यूनिट वेक्टर होता है नॉर्मल फॉर्म में है। क्लियर? तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ पाई टू अगर हमें निकालना हो, यानी इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, तो कितना आएगा, पी पॉइंट से पास हो रहा है ये प्लेन जिसका पोजिशन वेक्टर ए है, तो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी आर माइनस ए डॉट। अब एन परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, और परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है हमारा, एन कैप इक्वल टू जीरो। ये आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन है, देख लीजिएगा अगर वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका आर डॉट एन कैप माइनस ए डॉट एन कैप इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा आर डॉट एन कैप और इक्वल टू हो गया ए डॉट एन कैप। अब देखिए जरा, यही तो इक्वेशन आ गई हमारी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू ये जो भी है हमारा ये डी वन हो गया। तो यानी ये इस प्लेन की नॉर्मल फॉर्म है जो हमने इस प्लेन के पैरेलल फाइंड आउट किया है जो पी पॉइंट से पास हो रहा है। क्लियर? तो अब इस प्लेन की इक्वेशन हमारी ये आ गई नॉर्मल फॉर्म में। तो ये क्या है, इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी हमारा कितना आ गया ओ एन डैश, कितना आ गया हमारा ओ एन। ओ एन डैश का मतलब ये यहां पे भी तो हो सकता है भाई, ये जो पॉइंट पी है पी से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये ओ एन डैश जो होगी इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, और ओरिजिन से डिस्टेंस है कितनी इस प्लेन की, ओ एन डैश, ओ एन डैश कितना हो गया ए डॉट एन कैप। क्लियर? अब हमें ये फाइंड आउट करना है एन एन डैश, तो इसका मतलब एन
एन डैश हमारी जो आएगी स्टूडेंट वो कितनी आ जाएगी, ओ एन माइनस ओ एन डैश। क्लियर? अब ओ एन क्या है, ओ एन क्या है, ओ एन है हमारी डी, और ओ एन डैश क्या है, ओ एन डैश है हमारा ये ए डॉट एन के। और क्योंकि हमें नहीं पता कि ये प्लेन इधर है या इधर, किधर भी हो सकता है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज इक्वल टू दिस वन, मोड आ जाएगा। क्लियर? तो यही हमारी डिस्टेंस होगी स्टूडेंट, अगर मैं इसको कैपिटल डी मान लू, स्मॉल डी ले सकते हो, वट एवर जो भी आपको मानना है, क्योंकि अब हमने इक्वेशन में डी मान रखा तो इसको हम डी मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, और ये एन एन डैश है, तो यही एन एन डैश हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर किसी भी दो प्लेन के बीच की, पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, तो ओ एन डैश, एन एन डैश और पी क्यू दोनों इक्वल रहेगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारी होगी इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस। क्लियर? अब ये क्या है, ये हमें दिया है मान लीजिए नॉर्मल फॉर्म। अब हमारी जो इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन तो मोस्टली ऐसी मिलती है हमें, आर डॉट एन इक्वल टू डी वन, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करें, ये डिस्टेंस तो डी ही रहेगी, जब नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आर डॉट एन अपॉन एन का मोड और इक्वल टू डी वन अपॉन एन कैप का मोड, चाहो तो कैपिटल एन मान सकते हो इसको, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी डी वन अपॉन एन डॉट एन का मोड। क्लियर? तो इसका मतलब इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डॉट एन माइनस डी अपॉन एन वेक्टर का मोड, तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट पी। तो ये है हमारी क्या, डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेन। अगर कोई भी प्लेन दिया हुआ है तो हमें केवल जो इस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, और जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। क्लियर? और ये डी हमारा जो जनरल वेक्टर है वो आ जाएगा, जनरल डिस्टेंस है, डी वन भी मान सकते हो इसको। देखिए इसमें स्टूडेंट कभी कभी डी डी वन कैपिटल डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो वेक्टर की इक्वेशन में दिया है वो लेते हैं, बस उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये हुई हमारी वेक्टर फॉर्म। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? तो हुई हमारी वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। अब ए क्या है, कोई पॉइंट दे रखा है हमारा एक्स वन वाई वन जेड वन। क्लियर? एन वेक्टर क्या है, प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए क्या हुआ हमारा, जिस पॉइंट्स को दिया हुआ है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और n वेक्टर क्या है हमारा, n वेक्टर दिया हुआ है कितना, डायरेक्शन को शो करता है, तो ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। अब बस इसमें पुट करना है आपको, तो डिस्टेंस pq हमारी कितनी आ जाएगी, दैट इज मॉड ए डॉट एन। ए डॉट एन का मतलब कितना हो गया, ए का मतलब एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के डॉट एन वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन मॉड एन, और मॉड एन का मतलब हो गया अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और माइनस डी और है अभी, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो ये आ गया पी क्यू इक्वल टू एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के डॉट कितना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसका मोड आएगा।
जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसका मोड आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? अब इसको क्योंकि ये जो डी होता है आपका इक्वेशन में नॉर्मली हम इस तरह जब हमने यहां डी ले आया इस मोड डी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर डॉट एन इक्वल टू डी। तो डी की जगह हम यहां चाहो तो डी वन ले सकते हो, डी टू ले सकते हो या कैपिटल डी ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। तो इसको स्मॉल डी की जगह अगर यहां मैंने डी लिया है तो आप स्मॉल डी ले लिए, जो भी आपको वहां दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और ये जो आपका डिस्टेंस है इसको कैपिटल डी मान सकते हैं अगर डिस्टेंस माननी है तो। क्लियर? तो किसी भी पॉइंट की जो प्लेन की डिस्टेंस है फ्रॉम द किस पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट पी एनी गिवन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो उसकी डिस्टेंस ये आएगी। अब अगर हमें निकालनी है मान लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन अगर ओरिजिन से निकालना है तो आपको पता है कि ए क्या होगा, दिस इज शिफ्टेड टू द ओरिजिन, ओरिजिन ओ, तो इसका मतलब ए कितना हो जाएगा जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, तो इसका मतलब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जीरो आ जाएगा। तो पी क्यू हमारी कितनी आ जाएगी अगर वेक्टर फॉर्म में निकालनी है तो वो आ जाएगी हमारी कितनी माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और माइनस डी का मोड तो पॉजिटिव ही हो जाएगा और अगर यहां निकालना है तो कितना आ जाएगा माइनस डी, ये सॉरी इसमें अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मॉड्यूलस एन आ जाएगा बस खाली, और ये आ जाएगा माइनस डी डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। अब अगर स्टूडेंट हमें मान लो किन्हीं दो प्लेन के बीच की दो पैरेलल प्लेन दिए हुए हैं, ये तो हमारा पॉइंट दिया हुआ था तो यहां तो हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको दिया है कि दो प्लेन दो पैरेलल प्लेन है तो दोनों पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो वो यही प्रोसीजर है आपका कि दोनों प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर दीजिए बाय दिस फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्म में दिया तो ये, कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो ये, तो दोनों प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालकर माइनस कर दीजिएगा, देन यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। क्लियर? चलिए अब एक दो एग्जांपल से लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 5 माइनस 3 फ्रॉम द प्लेन आर डॉट 6 आई माइनस 3 जे प्लस 2 के इक्वल टू 4। तो यानी इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, या ये कह सकते हैं कि इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो अब जरा देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इक्वेशन आपको मैंने बताई थी अभी कि जो डिस्टेंस है हमारी अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखी तो वेक्टर फॉर्म ही ले लेते हैं। मैं आपको दोनों से ही बता दूंगा, ज्यादा बेटर होता है कि हमें कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा याद रहता है क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्ट उसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो डिस्टेंस हमारी थी कितनी, ए डॉट एन माइनस डी का मोड। अब ए क्या है हमारा, ए यहां से मिल जाएगा, एन क्या है उसको पहले हमें यहां से वेक्टर फॉर्म में उसमें निकालना होगा नॉर्मल फॉर्म में, या दूसरा फॉर्मूला हम डायरेक्ट ले लें ए डॉट एन, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म दे रखी है तो ए डॉट एन माइनस डी अपॉन एन का मोड और इसका होल मोड। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्लियर? तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई स्टूडेंट, ए, ए का मतलब कितना हुआ 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट n वेक्टर, और n कितना है हमारा 6i माइनस 3j प्लस 2k और माइनस d, d कितना है, d है हमारा 4। क्लियर? उसका मोड और अपॉन में मॉड एन, और मॉड एन का मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर? तो कितना आया 2 इंटू 6 12, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट कितना 36 प्लस 9 प्लस 4। क्लियर? तो कितना आएगा 6 और 4 10, 10 और 15 दैट इज माइनस 25 और प्लस 12
दैट इज माइनस 13 अपॉन अंडर रूट 36 और 4 49 और इसका मॉड क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका 13 अपॉन 7 यूनिट्स, दिस इज द डिस्टेंस क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 2 - 1 फ्रॉम द प्लेन 3x - 3y + 5z - 7 = 0 क्लियर। अब देखिए किसी भी पॉइंट अगर मान लो ax + by + cz - d = 0 और पॉइंट हमें दिया मान लीजिए x1, y1 और z1 तो इस पॉइंट से इस प्लेन की जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है आपका ax1 + by1 + cz1 - d अपॉन अंडर रूट a² + b² + c² ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताया था उसका होल मॉड क्लियर। तो यहां से जरा देखिए ध्यान से स्टूडेंट कि a कितना है 3, b कितना है -3, c कितना है 5 और d कितना है 7 क्लियर। अब x1 कितना है जिस पॉइंट से पास डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो x1 y1 आल्सो 2 एंड z1 दैट इज -1 तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो गया स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारी हो गई ax1 + by1 + cz1 - d अपॉन अंडर रूट a² + b² + c² होल मॉड। अब a कितना है दैट इज 3, x1 2 प्लस b माइनस 3 इंटू y1 कितना है 2 प्लस c 5 इंटू z1 -1 और -d अपॉन अंडर रूट a² - 3² + -3² + 5² और उसका मॉड क्लियर। नाउ 3 × 6 - 6 - 5 - 7 अपॉन अंडर रूट 9 + 9 + 25 क्लियर। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 और 5 12 -12 अपॉन मॉड आएगा इसका अंडर रूट 9 और 9 18 18 और 5 23 और 20 43 तो दैट इज 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 43 यूनिट्स क्लियर। स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन या डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट क्लियर। होप कि आपकी समझ में अच्छी तरह से ये टॉपिक आ गया होगा, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।